इन नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स आर दीज आर द इक्विपमेंट्स और द थिंग्स वी यूज ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दे आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, वी हैव डन दिस। या या, आई नो आई नो, जस्ट आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर। इन दिस वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फ्लू। यस और नो? यस। In flow, we I think we have written three points. Is it clear? So uses of it is basically flow. Flow is a implements like tractor. In ancient time, we have flow that is made up of flow shaft and flow share that may be made of wooden plus iron. The combinedly both things can be happen. Both these things can be possible. Is it clear? And this is basically used for soil, loosening of soil, adding fertilizer and removing weeds and scraping the soil. Scraping soil मतलब upper layer को हम लोग क्या करते हैं, loose करते हैं. Loose करने से होता क्या है, जो weeds वगैरह होती ज्यादा deep तक वो grow नहीं करती. So for this क्या होता है कि weeds वगैरह मर जाते हैं. दूसरा क्या होता है, प्लांट्स में क्या होते हैं ना, प्लांट्स के रूट्स के सराउंडिंग में क्या होता है, द सॉइल बिकम्स लूज। लूजिंग से क्या होता है, एरेशन बढ़ जाती है, मींस ऑक्सीजनेशन बढ़ जाती है। जब रूट्स में एयर पहुंचेगा तो प्लांट के रूट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, जब रूट्स की ग्रोथ अच्छी होगी तो प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस यस सर। यस सर। इन दिस राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट फॉर दिस। The next point is the main part. The main part of the plow is long rod-like structure that is made up of wood. अच्छा, आप कह सकते हो कि सही है, आयरन का क्यों नहीं बना होगा? क्योंकि अगर आयरन का इतना मोटा rod-like structure बना होगा, that will be आयरन में रस्ट लग जाएगा, इसलिए यूज नहीं करते थे। नो, आयरन तो यूज करते हैं पर वो अलग टाइप की आयरन होती है। मैंने कहा जो लॉन्ग शाफ्ट होती है ना, जो डायरेक्ट बुल से जुड़ा हुआ होता है। अरे कुछ आपने ऐसा देखा होगा ना खेतों में, ऐसा करके कुछ होता है। यस सर। देखा है क्या? और ये कुछ ऐसा होता है, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस पार्ट की। दिस पार्ट इज नॉन एज फ्लो शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है, जैसे आपके घरों में भी होता है ना शाफ्ट, लंबी सी वर्टिकल से कैनल टाइप स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग कई बिल्डिंग के बीच में या अलग अलग फ्लैट के बीच में होते हैं शाफ्ट, जिससे वर्टिकल से गैस का एक्सचेंज होती है। अगर पूरा रूम चारों तरफ से क्लोज रहे तो रूम में गुमस आती है, तो उसको सही रखने के लिए क्या बनाया जाता है, शाफ्ट बनाया जाता है, जिससे ना ऑक्सीजन की या फिर एयर का क्या होता है, एक्सचेंज होती है। इधर क्लियर? तो बेसिकली द लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्ट्रक्चर दैट वी कॉल एज शाफ्ट। सो फ्लो का है तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो शाफ्ट बोलेंगे। हाँ कि ना? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये आयरन का बना हुआ। अच्छा, आयरन का बना हुआ क्यों नहीं होता है, क्योंकि आयरन का बना हुआ होगा इट विल बी टू मच हैवी। तो वैसे ही बुल्स को बहुत काम करना पड़ता है, और वैसे ही वेट बढ़ जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी वो, कि आपको सॉइल को कल्टीवेट क्या करेगा या फिर लूज क्या करेगा, वो खुद कल्टीवेट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे ना, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, वुडन का बनाते हैं, ताकि वुडन क्या होता है, इन वेट इट इज लाइट इन वेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस यस सर। यस, द मेन पार्ट ऑफ फ्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ, लॉग मीन जानते हैं लकड़ी के पार्ट को, वुड के पार्ट को क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं ना, लॉग ऑफ वुड दैट वी कॉल एज फ्लो शाफ्ट।
Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And what is possible? जैसे मैंने बताया इसके स्टार्टिंग एंड में क्या होती है ना, इसके वन एंड साइड में क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है जिससे हम लोग बुल्स को बांधते हैं. इज इट क्लियर? दैट वी कॉल एज हैंडल. एक तरफ हैंडल पकड़ने वाली होती है जिससे फार्मर पकड़ के रहेगा, दूसरी तरफ ब्लॉक्स को बुल्स को रखने के लिए, बुल्स को जिस जगह से वो पकड़ के उसको खींचेगा उसके लिए क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो भी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है. क्लियर है? तो कहीं पर वो बैम्बू की बनी होती है, कहीं पर वो वुड की बनी होती है, डिपेंड करता है जिनके पास जो फैसिलिटी या जो अवेलेबिलिटी है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर. यस सर. इन फ्लो एट वन एंड देयर इज हैंडल जो कि फार्मर पकड़ के उसको एक बैलेंस पे रखता है. अगर उसको छोड़ देगा तो इधर उधर गिर जाएगा और फिर उसको वो अच्छे से टिलिंग नहीं कर पाएगी. इज इट क्लियर? बोलो. यस सर. यस सर. इसमें नेक्स्ट कंटिन्यू करके लिखेगा एंड अदर एंड is attached to a beam which is placed on the bull's neck. Have you ever seen? Yes sir. अभी मैं आपको डायग्राम बना कर दिखाता हूँ उसका. इतना लिखा क्या आपने? सर जस्ट मिनट. और इसको ऑपरेट करने के लिए एक फार्मर चाहिए होगा, दो बुल्स चाहिए होगा, हाँ के ना? यस सर. एक फार्मर चाहिए होगा और एक इट नीड्स फॉर द ऑपरेशन फॉर दिस इट नीड्स वन फार्मर एज वेल एज टू बुल्स. शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Are you facing any difficulties? No, sir. No, sir. No, sir. Should I move to next? Yes, sir. Yes, sir. Everyone done? Okay. So I am not writing this point. It is common to understand that it can only be this flow is only be operated with the help of one farmer and two bulls. Is it understand? Are you able to understand what I'm going to say? Yes, sir. It should be already understand na? एक farmer जो उसको handle को पकड़ के रखेगा और दो bulls जो उसको खींचा नहीं करेगा, means उसको खींचेगा, जिनकी वजह से आपके जो land है, जो आपका field है, जो आपका soil हो, क्या हो गए, उसकी tilling हो जाए, means loosening हो जाए, मतलब loose हो जाए. Is it clear? Yes, sir. लिखेंगे दिस फ्लोइंग इज डन. फ्लो से हम लोग क्या करते हैं, फ्लोइंग करते हैं. अगर आपसे कोई सवाल पूछे व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फ्लोइंग, व्हाट विल बी द आंसर? टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल. सर इट इज डन फॉर द एरिएशन ऑफ सॉइल. या aeration of soil. Is it clear to everyone? It also mixes nutrients. Because soil go up and down karega, so nutrients. Sir, it also mixes and uproots the weeds also. Yeah. It uproots the weeds. Sir, what is the meaning of aeration? Aeration means air ka jana. It is mixing of air with the soil. Because
सिर्फ एटमोस्फेरिक पार्ट में मींस सॉइल के ऊपर में ही प्लांट को एयर नहीं चाहिए, उनके रूट्स को भी रिस्पायर करने के लिए एयर चाहिए. इज इट क्लियर? यस सर. और कैन वी से दैट पासिंग एयर थ्रू द सॉइल? हाँ, मींस सॉइल में एयर का पास होना, सॉइल में एयर का मिक्स होना, दैट वी कॉल एज एरेशन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. किसी का कुछ पार्ट्स में जो बॉटम पार्ट पे कहीं पे आयरन की आयरन लगी होती है ताकि वो अच्छे से ड्रिलिंग कर सके, अदरवाइज ये पूरा कम्प्लीटली वुडन का भी बना हुआ हो सकता है. क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीम. क्या बोलेंगे? बीम. जैसे बिल्डिंग्स में बीम होती है ना, एक वॉल के ऊपर छत के नीचे जो होती है लंबी सी एक वर्टिकल से क्यूबॉइडल शेप थी ना, लंबी सी होती है ना, दैट इज द बीम. इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, बुल्स लगे होते हैं, यहाँ पे बुल्स को बांधा हुआ होता है और यहाँ से वो खींचता है. क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लो शाफ्ट. प्लो शाफ्ट, यस और नो? एंड दिस पार्ट इज नॉन एज प्लो शेयर. क्लियर? एक बुल्स इधर होगा, एक बुल्स इधर होगा. अरे बोलो ना. यस सर. यस सर. और पकड़ के खींचेगा. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. मूव टू नेक्स्ट. यस सर. एवरीवन डन? सर 2 मिनट. Wait first. Sir, so as the plowshare drags it, it keeps digging the soil. हाँ, जैसे मान लो ये बिल्कुल वैसे जैसे आप लोग घर में I think everyone of you combing his or her hair. The tips of comb जैसे आप करेंगे तो बाल में क्या एक proper shape में proper pattern में लेके आता है. वैसे आप किसी अगर सॉफ्ट चीज में करेंगे तो उसकी वजह से निशान पड़ेगी. वैसे ही हम जब खींचेंगे तो मिट्टी को पूरा वो कट करता हुआ चीरता हुआ निकलता है, जिनकी वजह से वहाँ के जो सॉइल वो निकल जाते हैं यहाँ के ना. इस तरीके से बार बार करने से क्या होता है, पूरा का पूरा फील्ड. ये बात अलग है, ये आपका एंशियंट मेथड्स है, पुराना मेथड्स है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है पर इसकी बेनिफिट ज़्यादा होती है. ये अच्छे से करता है. ट्रैक्टर में क्या होता है ना, ज्यादा डीप नहीं जाता है वो, समझे क्या? Yes, लेकिन अब उतना टाइम किसी का होता नहीं है, ये सब लोग कम टाइम में करना चाहते हैं. इसलिए आप ये चीज नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट कि नाउ इट इज द टिलिंग इज ओनली मेनली डन बाय ट्रैक्टर्स और द मॉडर्न मेथड फॉर द सेविंग ऑफ टाइम प्लस लेबर. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. Moving to next, write down the next implement that is ho. बोलते हैं ना कैसे हो, वो वाला हो नहीं. How are you? वो वाला हो नहीं. Clear? Basically, it is a agricultural implements. Yes or no? It is a tool which is used for removing weeds and loosening the soil. इसका main purpose क्या होता है? सॉइल को लूज करने के लिए. सर, लूजनिंग द सॉइल एंड बेटर इरिगेशन. हाँ, बेटर इरिगेशन. इरिगेशन कहाँ से आ गया? उसने एरिएशन बोला. अच्छा, एरिएशन. और क्या है? वीड्स का रिमूव करना. ये पार्शियली सॉइल के अपर पार्ट को क्या करता है, लूज करता है, ताकि देखो जितना ज्यादा वो सॉइल का एरिया वो प्लांट के चारों तरफ वो लूज होगा, प्लांट उतना ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, आगे ना. और जितने भी जनरली वीड्स होते हैं ये अपर पार्ट पे ही ग्रो करते हैं, उनके रूट्स ज्यादा नीचे तक नहीं आता है. तो अगर उसको आप लूज नहीं कर देंगे या हल्का हल्का उखाड़ देंगे तो मर जाएगा. इज इट क्लियर? तो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट. इट इज अ टूल विच इज वी कैन से सिंपल टूल
which is used for removing weeds and for loosening the soil. Clear? Yes. इनके जो ये जो हो है इट कंसिस्ट ऑफ देर इज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड या रॉड जो होगा द रॉड मे बी मेड ऑफ वुड और आयरन. क्लियर? इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. ऑब्वियसली this may be also done by with the help of bulls or agar chhota field hai to human ke help se bhi kar sakte hain, means bull ke jagah human usko khichega. Is it clear? Kyunki zyada hame deep to tilling karni nahi hai, zyada deep ke liye zyada force chahiye. That is done by buffaloes or the ox. Yes or no? Hello guys. Yes. समझ में आ रही है? Yes, sir. इसके बॉटम मोस्ट पार्ट पे क्या होता है ना, एक ब्लेड होती है जो कि क्या करता है, फील्ड को लूजनिंग करता है और वही क्या करता है, वीड्स को रिमूव करता है. क्लियर है? Yes. ऐसा लिखिए द बॉटम पार्ट ऑफ हो has a strong चौड़ा भी होगा ताकि वो इजीली उसको क्या करे, लूज कर सके. ब्रॉड एंड बेंड प्लेट, मुरा हुआ एक समॉट भी कहते ना, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है समॉट, जिससे ना वो अपर वाले लेयर को कट करके हटा सके. लाइक खुरपी टाइप, खुरपी छोटी होती है उसी का एक लार्ज स्ट्रक्चर कह सकते हैं. क्लियर? मींस इस तरीके से आपको मेरा हाथ दिख रहा है ये वाला, कुछ इस तरीके से ये फोल्डेड होती है ताकि ये जब इसको खींचा जाएगा तो ये पार्ट अपर वाला लेयर वो क्या करेगा, इट विल रिमूव द अपर लेयर, मींस लूज नहीं करेगा और जो वीड्स वगैरह होगा वो वहां से निकल जाएगा, अपरूटेड हो जाएगा. तो आफ्टर अपरूटिंग द वीड्स विल डाई. यस और नो? यस. अरे बोलो. तो बेंड प्लेट ऑफ iron that is fixed at one end, means bottom wale end mein ye fix hogi. Clear hai? And works like blade. Aur blade ka kaam kya hota hai, kaatna, cutting, yes or no, or scraping? Yes sir. It is pulled by animals. It may be a buffalo, it may be ox. And what I have said, if there is small field, बहुत छोटा जगह है जिसके लिए आप एनिमल्स थोड़ा लेके आओगे, आप खुद बहुत कर लोगे. हाँ कि ना, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फार्मर्स है उनकी बात कर रहा हूँ. कैसा मत समझना सर, आपको कह रहा है. हाँ कि ना? अरे बोलो तो. Yes. Yes, sir. Yes. Sir, मुझे एक डाउट है कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लोइंग और लूजनिंग में? इसमें प्लोइंग और लूजनिंग में, प्लोइंग क्या होता है, हम कम्प्लीटली पूरा उसको हम डिग अप करते हैं एक पर्टिकुलर डेप्थ तक. लूजनिंग में क्या होता है, सिर्फ अगर हो की हम बात कर रहे हैं, इसमें स्लाइटली कुछ ही लिमिटेड डीप तक उसको लूज नहीं की जाती है. इसमें इतना डीप नहीं करते कि पूरा प्लांट उखड़ जाए, एक सर्टेन डेप्थ तक ही करते हैं. बाकी प्लोइंग में क्या होता है ना कि प्लोइंग में काफी डीप होती है. क्लियर है? और पूरे फील्ड में करते हैं. इज इट क्लियर? और मान लो, एक मैं नेक्स्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द लाइन्स ऑफ प्लांट, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन से
ब्रिंजल प्लांट्स, कुछ डिस्टेंस में ब्रिंजल प्लांट्स लगे हुए होंगे, यस और नो? अब जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के सैपलिंग्स लेते हैं, छोटे छोटे प्लांट को कैसे, पहले हम उनके सीड्स को बो करते हैं, जहां बहुत घना डेंस होता है उसको भी वहां से अपरूट करके इसके सेपरेट जो अच्छे वाले होते हैं उनको यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। इज इट क्लियर? अब जो इनके बीच में जो स्पेस है ये तो पूरा टाइट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वीड्स भी आएंगे, तो इनको लूजनिंग करने के लिए हम इनको, ताकि जो यहाँ एक तो वीड्स रहेगा, क्लियर, तो इन पार्ट्स में वीड्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे तो आप वर्कर्स लगाओ, लेबरर्स लगाओ, या फिर सिंपली आप कुछ आपके पास एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है उनके हेल्प से आप इनको रिमूव करो। तो इन पार्ट को हम लूज करते हैं, फ्लो में क्या होता है पूरा फील्ड को लूज की जाती है। सर एक प्रोसेस भी होता है ना जिसमें हम सॉइल को मिक्स करते हैं, ह्यूमस कंटेंट को हर जगह प्रॉपर्ली मिक्स करने के लिए। एक तो मैंने बताया कि जो फ्लो है, फ्लोइंग भी बोलते हैं हम, फ्लोइंग भी बोलते हैं, टेलिंग बोलते हैं। एक अपने पास प्रोसेस ये है जो आपके पास नॉट फर्टिलाइजर जो आपके पास मैन्योर है, फर्टिलाइजर्स को जनरली हम फील्ड को टिलिंग करने के बाद देते हैं, आफ्टर सोइंग ऑफ सीड और ट्रांसप्लांटिंग द सैपलिंग्स स्मॉल प्लांट, लेकिन मैन्योर को पहले ऐड करते हैं ताकि वो थ्रूली मिक्सअप हो जाए, और इसका इफेक्ट काफी लॉन्ग टाइम तक रहता है। किसका? मैन्योर का, फर्टिलाइजर का, एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। क्लियर है? जैसे मान लो आपको साइज बढ़ाना है तो आप यूरिया का क्या करोगे, छिड़काव करोगे। मान लो आपको केमिकल डालना है किसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए, तो इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करोगे। तो ये जो आपके पास कोई इंसेक्टिसाइड्स है, वीडिसाइड्स है, ये आपको टाइम टाइम देना पड़ता है। क्लियर है? और जो आपने मैन्योर डाला है वो साल में एक बार या दो बार, ये दो साल तीन साल में एक बार देते हैं और वो फिर चलता रहता है ताकि उसकी फर्टिलिटी रीगेन हो जाए, ह्यूमस कंटेंट रीगेन आ जाए, मीन्स वापस आए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? लेकिन इसके पास जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है इतना बड़ा नहीं होता है, ये थोड़ी सी छोटी होती है। क्लियर है? आपके मॉड्यूल में डायग्राम दे रखा है, बस समझ में आ रही है आपको? ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ स्क्रैपिंग में काम आता है, लूजनिंग में काम आता है, टिलिंग के लिए हम लोग फ्लो को यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम एज इट इज होता है, बस थोड़ा सा जो आपके इस पार्ट में कुछ चेंजेस आते हैं। क्लियर? इसमें ब्लेड फ्लो में ब्लेड नहीं होती, और हो में क्या होती, ब्लेड होती है। I think someone has module here, she can you show in the screen? दिखाइए बेटा, नहीं आप स्क्रीन में कैमरा में दिखाओ ना। Show me in the screen. अपने कैमरे के सामने ले आओ, वो दिख जाएगा अपने आप बच्चों को। नहीं, जो आप दिखा रहे हो ये वाला क्या है, ये फ्लो है। आपके जो वर्टिकल से जो आपके राइट साइड में जो अपर वाला डायग्राम है, दैट इज द, हाँ उसको और थोड़ा अच्छे से दिखाइए और पास दिखाइए। हाँ, दिस इज बेसिकली क्या है बेटा, इट इज का, आपने देखा बेटा, दिस इज हो, जो आपके कल्टीवेटर के ऊपर जो दिखा रहा है ना, अपर वाला डायग्राम अच्छे से दिखाओ। देखा क्या अनुष्का? यस सर। हाँ, तो वो सेम एडिस प्रोसेस सेम होती है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती है फ्लो में, दैट वी कॉल एज हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? और उसमें एनिमल्स
अटैच करते हैं जैसे प्लो में करते हैं वैसे ही करते हैं क्या? हाँ सेम स्ट्रक्चर, उसके पास भी बीम होती है, ये वाली बीम मैंने बोला ना जहाँ पे मैंने बोल्ट लगा रखा है, सेम एज इट उसमें भी होती है सर। सर आपने बोला कि उसमें जो बीम होती है होम में वो काफी छोटी होती है, तो वो फार्मर्स ही करते हैं। मैंने छोटी नहीं बोला, मैंने ये बोला अगर फील्ड छोटी हो, बहुत लोग शॉप से खेती करते हैं, शॉप नॉट फॉर अर्निंग पर्पस, वो क्या करेंगे ना खुद से कर लेते हैं। मान लो आप इतना बड़ा स्पेस नहीं कि आप बुल्स को लाके आप घुमा पाओ या कर पाओ, तो क्या करते हैं ना बच्चों को लेके खुद कुछ एक दो आदमी मिलकर के खुद पुल कर लेते हैं और वो काम हो जाता है। क्लियर? यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। राइट ऑन द थर्ड इंप्लीमेंट्स दैट इज कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स कल्टीवेटर्स इज जनरली कॉल्ड एज कल्टी। आपने कुछ मूवीज वगैरह में डायलॉग सुना होगा कि कल्टी मार, सुना है क्या? यस सर। कौन से बताइए? अरे कल्टी मारने का मतलब था पीछे भाग, मतलब वापस से मुड़ के चले जाओ। हाँ वो किसी मूवी में है, आई थिंक कौन से मूवी में है बताइए सर, वो नहीं पता बट काफी फेमस था। हाँ कोई धमाल या कुछ ऐसा नाम भी है, ठीक तक याद नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो कल्टीवेटर होता है जो फील्ड को कल्टीवेट करने से क्या आया, कल्टीवेटर ऐसा इम्प्लीमेंट जो फील्ड को कल्टीवेट करे। कल्टीवेटर मतलब वही टिलिंग वाला प्रोसेस करे, इज इट क्लियर? उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कल्टीवेटर। जैसे फार्म हाउस में जो फार्मिंग करे उनको बोलते हैं फार्मर्स, हाँ कि ना? जो पढ़ने वाले हैं उनको बोलते हैं रीडर्स, जो लिखने वाले हैं उनको बोलते हैं राइटर्स, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है उनको बोलते हैं पेशेंटर, नॉट पेशेंट इट इज डॉक्टर्स। जो टीच करे उन्हें बोलते हैं टीचर्स। यस सर नो? यस सर। यस सर। यस। ये कल्टीवेटर्स आता है मॉडर्न डे मेथड्स में। जो फ्लो आता है किसमें, एंशिएंट मेथड्स में। किसमें आता है, एंशिएंट मेथड्स में। सर कैन यू रिपीट? आई एम सेइंग जो फ्लो है आपके पास ये एंशिएंट मेथड्स में आता है। पुराने पहले जमाने में ब्लॉक से या वाटर कैन से पुल से ऐसा किया जाता था, फ्लो से किया जाता था। अब ऐसा है ना कि फूड का डिमांड बढ़ गया, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फूड का डिमांड बढ़ गया, कम टाइम में हम ज्यादा चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, कम टाइम में प्लोइंग करेंगे, कम टाइम में पूरा फार्म का यील्ड को, फार्मिंग यील्ड को हम ऐसा मार्केट में लाएंगे। क्लियर? यस सर। तो कल्टीवेटर या मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट। हाँ सर। सर वो जो कल्टीवेटर है उसके नीचे जो Not like structure होती है, हाँ सर, somewhat flow type की, plate like structure, हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर वो flow type structure है और सिर्फ beads भी remove कर सकते हैं। beads उससे remove कर सकते हैं? How? Yes sir। सर क्योंकि उसका जो flow like structure है वो beads के पास में gaps बनाएगा तो उससे वो निकालने में easy होगा। No। उसमें अगर आप फील्ड में ट्रैक्टर चलाओगे ना आपका जो क्रॉप्स है ना वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो दो बैल्स के बीच में काफी स्पेस होती है ना, इसलिए हम बैल्स बुल्स को ऐसा मूव करवा सकते हैं फील्ड में, लेकिन ट्रैक्टर पूरा आपको क्रॉप्स को ही क्रश कर देगा। अब फिर आपका यील्ड क्या होगा, व्हाट विल बी योर यील्ड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो कल्टीवेटर इज अ मॉडर्न डे मेथड, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, मॉडर्न डे इम्प्लीमेंट्स मीन्स औजार।
ठीक है, इट इज ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। अब ये मत कहना कि सर ये बुल से क्या ड्राइवन किया जाएगा कि नहीं जाएगा, बेचारा बुल ही मर जाएगा, इतनी भारी होती है। यस और नो? यस सर। यूजिंग ऑफ ट्रैक्टर, यूजिंग ऑफ ट्रैक्टर, अगर आप सवाल पूछे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूज ऑफ ट्रैक्टर इन प्लेस ऑफ प्लो एंड बुल्स, इट विल टाइम बचता है, द टाइम। यूजिंग ऑफ ट्रैक्टर सेव्स लेबर एंड टाइम, यस और नो? यस सर। आपका लेबरिंग का चार्जेस भी बचाएगा और आपका कम टाइम में कर भी देगा, क्लियर है? मान लो जो फील्ड आप प्लोइंग या टीलिंग करते हो 2 घंटे में, ये आधे घंटे में करके चला जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ, ये क्या है, पूरा का पूरा किससे बना होता है? मेड ऑफ आयरन। ये इसके ब्लेड्स काफी छोटे होते हैं, मेड ऑफ आयरन। हाँ, इनके ब्लेड्स काफी स्मॉल होते हैं। दूसरी बात ये ना, Nowadays, एक नया और मेथड्स आया है, नया एक इम्प्लीमेंट्स आया है जो समवट प्लो के तरह ही काम करता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही डीप करता है, आके ना वो कभी कभार फील्ड में लगाई जाती है ताकि वो नीचे का चीज ऊपर चला जाए और ऊपर का चीज नीचे चला जाए, नीचे का चीज ऊपर आ जाए और ऊपर का चीज नीचे चला जाए। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, तबिया टाइप कुछ इस तरह होता है। क्या होता है तबिया? मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है वो स्ट्रक्चर। ये एक मॉडर्न डे मेथड्स में आता है वो। अगर आपको फोटो में दिख रहा है तो मुझे बताइएगा, दिख रहा है? यस सर। कुछ ब्लेड लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर है? यस सर। यस सर। सर्कुलर ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? यस सर। यस। तो पूरा ना अच्छे से इनको ट्रैक्टर डिस्क बोलते हैं, या आप TABIVA करके सर्च करेंगे तो आपको इमेज दिखाएगा, क्लियर? इनको हम लोग क्या और क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर हैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक्टर हैरो। इज इट क्लियर? कुछ डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है और ये पूरा फील्ड को अच्छी मतलब ना पूरा मिक्स कर देगा अच्छे से, क्लियर है? तो yes. ज्यादा यूज करना ये फील्ड के लिए नुकसानदेह है क्योंकि ना वो कुछ ज्यादा ही डीप तक एक्शन कर देता है, क्लियर है? सर कैन यू गेस पॉइंट What happened? सर आप क्या बोल रहे थे? हेलो सर, आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था, I was saying that कि this part that we call as tabia tractor or TAVIYA या tractor harrow बोल सकते हैं। ये इसको ज्यादा यूज करना ये फील्ड के लिए नुकसानदेह है, ये इज हार्मफुल। बिकॉज क्या होता है ना कि ये जो फर्टाइल लेयर को कुछ ज्यादा ही नीचे में मतलब कि क्योंकि ना बहुत ज्यादा डीप तक ये बरो करेगा, जिनकी वजह से कुछ ज्यादा नीचे चला जाता है तो सॉयल की फर्टिलिटी को रिगेन करने में टाइम लगती है, तो उतना अच्छा यील्ड हो नहीं पाता है। तो बार बार यूज करना ही ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ सर सर वो सारा ह्यूमस जो होता है एकदम डीप चला जाता है तो फिर प्लांट का एफिशिएंट ग्रोथ नहीं होता। तो कुछ ज्यादा ही नीचे चला जाता है जब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, मतलब पूरा ना सॉयल को पूरा क्रश कर देता है पूरा, ये काफी ये शार्प होती है, कोई इंसान चला जाए ना उसका पूरा क्रश कर देगा ये, समझ में आ रही है? तो ऐसे में इसका कभी क्या होता है कि मिस व्हाट कैन से गलती से कोई इंसान उसके नीचे चला जाए तो फिर नो चांसेस ऑफ बीइंग सर्वाइव, ये सुन लो, इसलिए बड़ी ध्यान से काम करना पड़ता है। यस हाँ, नेक्स्ट जो पॉइंट आप लिखेंगे
वो लिखेंगे क्या? लेवलर। क्या लिखेंगे? लेवलर। जो फील्ड को लेवल करने में काम आए दैट वी कॉल एज लेवलर। बात समझ में आई क्या? यस। पहला पॉइंट लिखेगा द प्लोट सॉइल। अब ये प्लो करने के बाद फील्ड क्या होता है? लूज हो जाती है, लेकिन अब ये बराबर नहीं होती है, ताकि आपको सीड सो करने में प्रॉपर स्वाइंग ना हो पाए, प्रॉपर इरिगेशन ना हो पाए, तो फील्ड को प्लेन करने के लिए हम लेवलर का यूज करते हैं। पहले जमाने में क्या होता था? लेवलर अलग आता था, या पहले हम लोग क्या करते थे? सीमेंटेड स्लैब लाइक स्ट्रक्चर से हम लेवल करते थे, या वुडन या बैम्बू, कुछ कुछ इस तरीके से। मान लो ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, या चौथा ये हो गया। इन सात को प्लेन स्ट्रक्चर बना करके, एक स्लैब तक स्ट्रक्चर बना करके, यहाँ से रॉप से टाई अप करके इनको खींचने का हम लोग साधन करते थे। क्लियर है? जिससे हम लोग सॉइल को लेवलिंग करते थे। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है ना कि बैम्बू का अरेंज करो, बैम्बू पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा। नाउडेज क्या है कि आप बहुत लोग सीमेंटेड स्लैब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपको मोबाइल कैसे के दिख रहा है, ये दिख रहा है? Yes, sir. मोबाइल फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये छोटी है। जैसे मान लो मैं आपको स्केल दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा पतली है और चौड़ी कम है, तो अच्छी खासी लेंथ में आई थिंक 2 to 2.5 meters की लेंथ होती है, और अराउंड वी कैन से अराउंड 20 centimeters इसकी विड्थ होती है। तो इनके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इनको रॉप से टाई अप करके इन ट्रैक्टर्स के थ्रू खिंचवाते हैं, ताकि सॉइल लेवलिंग हो जाता है। अब नाउ डेज क्या है कि नया मेथड्स है, टेक्नोलॉजी है, तो ट्रैक्टर में ही क्या आता है, लेवलिंग आने लगा है। अलग अलग टिलिंग करने के लिए अलग, जिसको हम लोग कल्टीवेटर बोले, लेवलिंग करने के लिए अलग। अब क्या होता है कि एक नया टेक्नोलॉजी फील्ड है, मतलब काफी टाइम से है, ये दोनों मिक्स होती है, मतलब टिलिंग भी साथ में करेगा और फील्ड को लेवल करते भी चलेगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। अभी कंबाइन, ये तो और टाइम बचाएगा आगे ना। यस यस सर। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको कभी ना किसी गांव, किसी विलेज वगैरह से मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा कैसे होती है खेती। क्लियर है? यस सर। आई थिंक जो विलेज वगैरह से अवेयर है वो उनको पता होगा। द प्लॉट सॉइल इज क्वाइट लूज, सो it is level, aisa likhiye, the plot soil is quite loose so it has to be, sir apne iske baad kya likha hai, the plot soil is quite quite okay, ha ye jo hum log plow karne ke baad soil kafi loose ho jati hai to hoga kya na कि जब एयर वगैरह चलेगी, विंड वगैरह चलेगी, विंड का फ्लो होगा, सो फ्लोइंग ऑफ विंड से क्या होगा, जो टॉप मोस्ट जो सॉइल वगैरह है ये हवा में उड़ने लगेगा, और फील्ड प्लेन बराबर नहीं रहेगा, प्लेन नहीं रहेगा, तो आपको इरिगेशन में दिक्कत आएगी। हाँ कि ना? आप फील्ड पे पानी दे रहे हो, अब पूरा फील्ड में पानी फैल भी नहीं रहा और स्वइंग में प्रॉब्लम आने लगी, इसलिए इसका लेवलिंग करना जरूरी होता है। क्लियर है? yes. So it is level to be removed by strong wind. Or washed away by rains. Washed away by rain. क्लियर? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग का यूज करते हैं। तो पूरा फील्ड अगर लेवल हो जाएगा तो ज्यादा विंड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस सर। वंस अगेन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल? लेवल
मीन्स एवल, मीन्स ये स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से ये रिमूव हो सकती है, उसके लिए टर्म यूज किया गया. ओके सर. मीन्स देयर इज चांसेस ऑफ बीइंग रिमूव और वॉश्ड अवे विद द हेल्प ऑफ रेन और ए स्ट्रॉन्ग विंड. अरे हाँ कि ना, फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत आंधी तूफान चल रहा है और आपकी ना वेट ज्यादा है नहीं, बहुत तो बहुत 100 ग्राम 200 ग्राम 1 kg के आसपास आपकी वेट है और बहुत तेज हवा चलेगी तो आपको कहीं ना कहीं गुरा के आपको गिरा सकता है. यू मे फॉल डाउन, यस और नो? अरे बोलो. अगर वहीं पर आप सरफेस पे अगर लेट जाओगे, सरफेस के लेवल में आ जाओगे, तो आपको ज्यादा एयर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि सर देखो एरिया घट गया तो प्रेशर का भी इफेक्ट नेगेटिवल हो जाएगा, फोर्स का इफेक्ट नेगेटिवल हो जाएगा. हाँ कहना. Yes, sir. Yes. Yes. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा लेवलिंग का डेफिनेशन. इसके अंदर लेवलर के अंदर स्टार्ट डाल के लिखिए लेवलिंग का डेफिनेशन. विल यू डिस्क्राइब दिस टर्म एनीवन? What does it mean? What do you mean by leveling? Sir, can I tell? Okay. Sir, leveling is the process to level the all the soil particles and keep the nutrients in place. Anyone? You can try. Anushka, speak loudly. Sir, land ko smooth banana, leveling. Plain karna. What about other? Sir, making the soil, loosened soil plain. Plain. Okay, what about next? So my answer is also... Anushka, aur aapko bol nahi rahi. Haan, bole Bihan. So I also have the same answer. नहीं नहीं सेम नहीं बोल रहे हैं. एक कट पेस्ट कॉपी वाला सिस्टम चले तो दिक्कत हो जाएगी ना. एग्जाम में कट पेस्ट कॉपी नहीं कर सकते, यहाँ पे बोलना है इज द प्लेस वेयर यू हैव टू स्टिक, यू मस्ट हैव टू बी स्टिक. बोलिए. सो द सॉइल हैज टू, या सो इट हैज टू बी इन द प्रोसेस टू मेक द सॉइल प्लेन. प्लेन, यस. व्हाट अबाउट मायोरी? The leveling is a process to make the soil plain and in a uniform. Okay, good. Harsha Gaur, what about you? Sir, to remove the unwanted, the big soil particles and make it leveled. हाँ, ये पहला आपने कुछ अच्छा वर्ड बोला. जो बड़े 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 क्रम्स होंगे ना, उनको कौन ब्रेक करेगा? सर, लेवलर. हाँ, लेवलिंग के थ्रू उनको हम ब्रेक करेंगे. हाँ कि ना. चलो कोई नहीं, आप सर सबने कुछ ने कुछ बोला, चलो हम लोग लिखते हैं. इसमें लिखिए द प्रोसेस बाय विच लूज सॉयल पार्टिकल्स आर प्रेस. जैसे कपड़े को आप लोग प्रेस करते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे, यहाँ पे प्रेस इसलिए किया जाती है ना, जो फर्टाइल एयर वो हवा में उड़ ना जाए. क्लियर? यस सर. स्टॉप द रिमूवल ऑफ अपर फर्टाइल लेयर. Of soil and to break the most important thing, to break the large soil particles. Yes or no? Big chunks of soil. Large soil
पार्टिकल्स इनको क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं. यस सर. इज कॉल्ड लेवलिंग एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. लेवलर. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन यूनिफॉर्म इरिगेशन. फील्ड प्लेन रहेगा तो इरिगेशन में आसानी होगी. And leveling is done with the help of levelers. Clear? It is done with the help of levelers. Any doubts and difficulties? No. No, sir. Write down the next point. Everyone done? Sir, to me. What happened? So can you explain this second point? It is done with the help of levelers. Means leveling is done with the help of levelers. No, sir, that's the sentence above. Speak loudly. Sir, the sentence above it, it also helps in uniformity. Uniform irrigation. For example, this is the field. If this field is plain, then the अगर आपने water को यहाँ पे क्या expel out किया, यहाँ पे आपने पानी, यहाँ से आप पानी फेंक रहे, ठीक है ना, field में पानी यहाँ आने का साधन यहाँ से है. अगर field plain होगा तो चारों तरफ पानी equally बढ़ जाएगा. अगर ऐसा ना हो, मान लो ये वाला area ऊंचा है, तो कभी भी पानी नीचे से ऊपर जाएगा क्या? No, sir. हाँ, तो यूनिफॉर्म इरिगेशन नहीं हो पाएगी, इसलिए हम लोग लेवलिंग कर लेते हैं ताकि ये इजीली क्या हो जाए. सर, इरिगेशन अच्छे से हो. हाँ, इसीलिए ऐसा करते हैं. एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज? नो सर. नो सर. शौर्या? No, sir. Should I move to next? Yes. Write down the next point, the point number 2. Pehla aapke paas kya tha bataiye? Anyone? Preparation of soil. Haan, preparation of soil. Ye dusra point hai, humne soil ko prepare kar liya, aap kya karenge? Sowing. Sir, sowing the seed. Sowing the seed.